मोरी पत्रकार होईल का आपल्याला हजार रुपये पाला तिकडे गेलं परत मिळणार आहे का पत्र काढायला पत्र नितीन पत्र हाताने उचलू नका तुम्ही ते नाग आहे का दुसरं काय का हे असले आणि उचला काट घ्या मग इकडे नाही गेला नाही माणूस होती पाया एक बघितलं तू म्हणतो दोन सरे चावन वेगळा कलर ती घे पत्र तिकडे घे व्यवस्थित धरली नाही लगेच लगेच धरली काय म्हणे काय नू जामीन इंडियन रॅप्स नाही जर्जर नाही होता कम से कम चार चिक्का है अभी जवान ही है वो लेकिन वो चिपकली मेंढक खाने की वजह से वो आता है इधर उधर उसको हमने अभी क्रिस्पी किया है और थोड़ी देर में उसे परे में हम रिलीज करेंगे ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का है एक काटता भी है लेकिन शांत भी उतना ही होता है लेकिन जो भागने में भागने में बहुत फास्ट होता है इसका स्पीड होता है उसे ही कहते हैं इंडियन रैप्स है उसको देख सकते हैं आप उसका कलर जो है वो ब्लैक कलर में है जो ब्लैक कलर येलो कलर उसमें पाया जाता है ये है इंडियन रैप्स में तो पहचानने का तरीका जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है तो उसकी जो पूछ होती है उसे हम इंग्लिश में टेल बोलते हैं और टेल में जो नक्शेदार और जालीदार ऐसा टाइप का रहता है उसके वजह से हम पहचान सकते हैं और उसकी स्पीड से हम पहचान सकते हैं कि वो इंडियन रैप्समेक है तो चलो थोड़ी देर में हम उसे पर्यटन में रिलीज करेंगे तो आखिर तक बने रहे
वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्नेक फ्रेंड प्रवीण सुता। आप जो चैनल देख रहे हो उस चैनल का नाम है स्नेक सेवा हर अवसर एरिया प्रवीण सुता। अभी अभी हमने जो इंडियन रेयर स्नेक का रेस्क्यू किया था उसको हम इधर पर्यावरण में रिलीज करने के लिए आए हैं। और वो इंडियन रेयर स्नेक कम से कम 4 फीट का है और हम इधर छोड़ेंगे, लास्ट तक आप बने रहें। उसे मराठी और हिंदी में हम दामन नाम से उसे बुलाते हैं और कहते भी हैं। उसका नाम दामन और इंडियन रेड स्नेक की इंग्लिश का नाम है। वो जहरील नहीं होता, वो नॉन यूनिवर्स होता है। उसकी जो स्पीड है उसकी स्पीड की वजह से हम पहचान सकते हैं कि वो इंडियन रेड स्नेक है। तो इधर हम उसे पर्यावरण में इधर रिलीज करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम पर्यावरण में रिलीज करेंगे। तो आप देख सकते हैं इधर से कैसे वो भाग के जाता है। हेलो, हाँ, तो लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। निकाम हो रहे।